बात करते हैं झरिया की, जहां हत्याकांड के विरोध में हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ। आपको बताया कि आक्रोशित ग्रामीणों ने पीसीआर वाहन तोड़ दिया, पुलिस पर पथराव किया गया। इसके बाद जो है पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कतरास मोड़ के पास प्रदर्शन और आगजनी हुई। धनंजय यादव और निरंजन तांती हत्याकांड मामले में ग्रामीण जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि हत्या के आरोपी राम बाबू की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। 8 महीने पहले निरंजन तांती और 10 दिन पहले हुई थी धनंजय यादव की हत्या। तो बताया कि झरिया में हत्याकांड मामले पर आक्रोशित ग्रामीण आगजनी कर रहे हैं और पीसीआर जो है पीसीआर वैन को भी तोड़ दिया सभी ने। धनंजय यादव और निरंजन तांती हत्याकांड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जो है मांग कर रहे हैं ग्रामीण। अब बताया कि हत्या के आरोपी राम बाबू की गिरफ्तारी की मांग लगातार ग्रामीण कर रहे हैं और इसे लेकर आज जितने भी ग्रामीण हैं वो सभी आक्रोशित हो गए हैं और आगजनी कर रहे हैं, पथराव किया, जिसके बाद लाठीचार्ज हो गई। और इस पर अधिक बातचीत के लिए लाइव चैट पर झरिया से हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हैं। अशोक, हत्याकांड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज जो है हंगामा कर रहे हैं ग्रामीण, पथराव कर रहे हैं, अभी फिलहाल कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अनुष्का, मैं पहले आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ पीसीआर वैन का। जरा देखिए कि पीसीआर वैन को किस तरह का तोड़ा गया है। यह बताया जा रहा है कि धनंजय सिंह की जो हत्या हुई थी, उस हत्या से आक्रोशित होकर जो उनके परिजन और उनके समर्थक हैं और वो जो है तोड़फोड़ पूरी तरह से वो कर रहे थे। अब देखिए, मैं पूरी चलते हुए आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। यह जो है रास्ता पूरी तरह से जाम था और आगे में एक चौक है, उस चौक को जो है पूरी तरह से जाम कर दिया गया था। उसी के क्रम में जो है पुलिस ने बार बार लोगों को समझाया बुझाया, नहीं समझे। साफ तौर पर उनका कहना था कि जब तक राम बाबू की गिरफ्तारी और अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, पुलिस खिलाफ के नारेबाजी भी करते रहेंगे। इसी को लेकर लोगों ने आगजनी किया। आगजनी करने की वजह यह हुआ कि पूरी तरह से जो है यह मार्ग जाम हो गया था। जाम होने के साथ साथ जो है पुलिस जो लाख समझाने का प्रयास किया, नहीं लास्ट में जो है पुलिस को लाठियां चटकानी पड़ी, जिसकी वजह से जो है समर्थक यहां से भागे। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है अब धीरे धीरे आवागमन को बहाल कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो है प्रशासन की गाड़ियां जो है करीब 6-7 की संख्या में सायरन बजाते हुए पूरे नगर की भ्रमण कर रही है, ताकि किसी प्रकार जो है कानून को लोग हाथ में न लें। आप देखिए कि यहाँ पर जो है पुलिस की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और यह वही चौक है। आप देख सकती हैं कि जो सामने में चौक दिखाई दे रहा है, यहीं पे जो है धरना प्रदर्शन हो रहा था और यहीं पे जो है आगजनी भी हो रहा था। और बार बार यह कहा जा रहा था कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, यानी यह कहें कि यहाँ वर्चस्व की लड़ाई पूरी तरह से धनबाद में चलती है और यहाँ भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। वो दोनों लोग पहले दोस्त थे, व्यापारी थे, उसी के क्रम में जो दोस्ती जो है दुश्मनी में वो पूरी तरह से बदल गई। अब देखिए हम सहयोगी से कहेंगे जरा दिखाइए कि किस तरह का यहाँ जो है टायर जलाया गया था, आगजनी यहाँ पर किया गया था। और देखिए हमारे जो है स्थानीय संवाददाता अंकित झा भी मौजूद है। अंकित, इधर बताइए क्या पूरी घटना थी यहाँ पे, क्या क्या हुआ था? अब बिल्कुल बता दूं आपको कि यहाँ जो घटना थी ये वर्चस्व की लड़ाई है और यहाँ जो लड़ाई हुई है ये पहले 19 जनवरी को निरंजन तांती की हत्या हुई थी, जो कि यहाँ राम बाबू धिकार का पहले वर्चस्व चलता था झरिया के सिंह नगर में। और ये सभी एक ही दल के लोग थे और उस समय जो है कि यहाँ पे दोनों दल आपस में भिड़े और जिसके बाद जो गोलियां चली, बम चली, इसके बाद निरंजन तांती की हत्या हुई थी, जिसके बाद आज लगभग 9 महीना के बाद में धनंजय यादव की हत्या होती है। उसके घर में घुस करके उसको काट दिया जाता है, गोली चलाई जाती है, बम चलाया जाता है, जिसके बाद जो है कि पुलिस के तत्परता से 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है। लेकिन जो मुख्य रूप से जो आरोपी है राम बाबू धिकार, उसके गिरफ्तारी की बात को लेकर के ये लोग आज आक्रोशित हुए और झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। और जाम इस तरह से इतना सब वाकया होने के बाद भी आखिर पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकी, क्योंकि 9 महीना से इस तरह का चल रहा है।
तो पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए, क्या कारण है, क्या पुलिस को क्या किस तरह का राजनीतिक दबाव आ रहा था या पुलिस उसे बचाना चाह रही थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? पुलिस देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ जो राजनीति का दबाव की बात की जाए तो ये कहीं नहीं लगता है। लेकिन झरिया की जो बीजेपी नेत्री है रागिनी सिंह, जो कि कार्य समिति सदस्य है, उनका भी पुलिस पर जिस तरह से आरोप है कि पुलिस जो है कि काम सत्ता के दबाव में कर रही है। लेकिन पुलिस का जिस तरह से कहना है, जिला प्रशासन का जिस तरह से कहना है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और अभी तक धनंजय यादव हत्याकांड मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन उसका देखिए एक सवाल यह खड़ा होता है कि जिला प्रशासन कह रहे कि अपना हम काम कर रहे हैं, जब वो काम अपना कर रही थी तो फिर इस तरह का क्यों वाकया होगी, इस तरह की घटना क्यों हुई? सवाल कई पुलिस के ऊपर खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो है देखिए धनबाद जो है इस समय अपराधियों को टांडो बन चुका है, कई तरह की यहाँ घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन पुलिस विफलता कहीं ना कहीं विफलता हो जा रही है, कहीं ना कहीं अब इसे कहीं सरकार का दबाव है या राजनीतिक का दबाव है, किसी न किसी तरह के उनके ऊपर जो है दबाव आ रहा है। यही कारण है कि जो है पूरी तरह से जो है जनता जो है परेशान है। आप देखिए कि अभी देखिए कि पुलिस जो है वहां पर बैठी हुई है और अपना ड्यूटी कर रही है कि ताकि किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना न घट सके। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे सवाल खड़ा होते हैं कि देखिए अभी दिन है, हो सकता है कि रात में भी इस तरह की घटनाएं घट सकती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो है अगर इस तरह की घटनाएं घटते जिस आरोपी की मांग की जा रही है उस आरोपी को पुलिस को गिरफ्तार कर लेनी चाहिए ताकि मामला शांत हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है यदि आप कानून में ले लेते हैं, यदि हाथों में आप ले लेते हैं, कहीं ना कहीं जो कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती है। तो आप ग्रामीण है, हत्याकांड हुआ, गोली मारी गई, उसके बाद फिर अभी 10 दिन पहले भी हुई, अगर यही तत्परता पुलिस पहले दिखाई होती और अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई रहती, कुछ आईएम जो है एक्शंस लिए गए होते, तो शायद ये 10 दिन पहले जो गोलीबारी हुई, जो मर्डर हुआ, ये नहीं होता। अशोक बिल्कुल आप अनुष्का से आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, पुलिस अगर कार्रवाई कर दी होती तो नहीं होता, क्योंकि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि बार बार जो है इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, यह जानकारी लोकल पुलिस को ही पता है, आखिर लोकल पुलिस क्यों नहीं उनके गिरफ्तार करती, क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई करती है, ऐसी कौन सी मुसीबत उनके ऊपर आ जाती है कार्रवाई नहीं करती है। देखिए इसका नतीजा जो है आम जनता भुगतती है, क्योंकि किसी को कहीं ना कहीं किसी को अस्पताल जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कहीं ना कहीं जाना है, आए दिन लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है, तो कहीं ना कहीं या हम कहें तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है अपराधियों के सामने जो है घुटना टेक चुकी है। बिल्कुल अनुष्का, अशोक अब देखने वाली बात होती है कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाती कि नहीं और पुलिस इस मामले में कितनी तत्परता दिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।